कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, पूरी दुनिया लॉकडाउन है, पाकिस्तान में भी बड़े खतरे से दो चार है। पूरे पाकिस्तान की यूथ आज हुकूमती पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आपको जहां भी चाहिए, हम यूथ हर ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट में वॉलंटियरली हुकूमती पाकिस्तान के साथ, अपनी इंतज़ामिया के साथ काम करने के लिए तैयार है। जहां भी ज़रूरत हो, इवन अगर क्वारंटीना सेंटर में भी जाने की ज़रूरत हो, तो हम तैयार हैं, क्योंकि हम यूथ हैं और ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इस क्राइसिस में, इस इमरजेंसी में हम अपनी आवाम के साथ खड़े हो जाए और अपनी गवर्नमेंट को भरपूर सपोर्ट करें। किसी भी सूबे की हुकूमत को जब भी चाहिए, नौजवान हाजिर रहेंगे। जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो भी सर हमारे साथ मौजूद है इसमें। और ये क्वारंटीना सेंटर में इजीली कोई भी बंदा जाके लोगों को केयर कर सकता है। और नौजवानों के लिए अहम पैगाम वो ये है कि हम नौजवानों ने कोरोना से डरना नहीं है। कोरोना नौजवानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिंपल अगर किसी को लग भी जाए तो एक चार से पाँच दिन तक सिंपल ज़ुकाम होता है, लेकिन जो ख़तरनाक है हमारे बुज़ुर्ग के लिए है, जो बीमार लोग हैं उन लोगों के लिए है। पूरे पाकिस्तान की यूथ, आप जहाँ भी हैं, आप सब ने इस वबा का मुकाबला करना है। गैदरिंग से एहतियात करनी है, गैदरिंग जगह पे वो नहीं जाना। लेकिन जो हमारे देहाती इलाके हैं, जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं, जहाँ के मीडिया के एक्सेस नहीं है, नौजवानों ने वहाँ जाना है, वहाँ अपने घर घर जाके लोगों को बताना है, लोगों को अवेयर करना है कि ये हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम यूथ इंशाल्लाह तैयार है। मैं कल से अपने ज़िले जाके, जो कि मेरा होम टाउन है बाजौर से, मैं वहाँ से इंशाल्लाह आगाज़ करेंगे। ये मेरा भाई कश्मीर से जाके करेगा। ये सारे जो है गिलगित बल्तिस्तान से और तमाम मुख्तलिफ इलाकों से ये जा रहे हैं। तो यूथ ने आगे जाना है और हुकूमत के साथ खड़ा होना है, और जहाँ पे ज़रूरत हो, आज से हम एक 10 दिन का जो है एक कंपेन भी, अवेयरनेस कंपेन का भी आगाज़ कर रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि हम जो यूथ है, जो नौजवान है, वो अपने अपने इलाकों कम्युनिटी में लोगों को कोरोना के हवाले से इनको अवेयर करेंगे और इनको बताएंगे कि अपने घर के कैसे हम अपने अपने घर को, अपने जो बुज़ुर्ग है उसको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तमाम नौजवानों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारा साथ दीजिए। और इवन सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे और फ्रंट मीडिया पे, जो हमारे हाथ में सोशल मीडिया, इस पर अच्छी अच्छी खबरें पिलाएं लोगों को। लोगों में खौफ मत पिलाएं, इतना ख़तरनाक नहीं है जितना लोगों के अंदर खौफ पिलाया जा रहा है। हमने मुकाबला करना है। यूथ जो है, यूथ को किसी भी सूरत इस बीमारी से घबराना नहीं है। सफ़े अव्वल में खड़े होकर इस बीमारी का मुकाबला करना। यूथ को चाहिए को आगे आ जाए, बुज़ुर्गों को ऐसे मौके पे उनको पीछे रखा जाए, क्योंकि ये बीमारी जो है ये बुज़ुर्गों के लिए ख़तरनाक है। इंशाल्लाह मिलकर इस वबा का, इस मुकाबला, जिस तरह चाइना ने मुकाबला किया, इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी हम इस वबा का मुकाबला करेंगे। थैंक यू सो मच।